नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोलर। आज हम देखेंगे सोलर पीवी मॉड्यूल का जंक्शन बॉक्स कैसे चेंज करते हैं। जंक्शन बॉक्स खराब हो जाता है, डायोड खराब हो जाते हैं, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास में एक मॉड्यूल है, आइए इससे हम चेंज करेंगे आज जंक्शन बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में दोस्तों देखिए, हम वोल्टेज चेक करके पहले कंफर्म करेंगे, जीरो वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद में हम बस बार को हीट करेंगे मॉड्यूल की, नेगेटिव और पॉजिटिव की, जंक्शन बॉक्स की। हीट अप करने के बाद में हम ये बस बार को ऐसे बाहर निकालेंगे जो क्लीट उसमें फंसी हुई है। ठीक है, हीट करके ये क्लीट हमने बाहर निकाल ली जो जंक्शन बॉक्स को अटैच करके रखती है बस बार से, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की। इसके बाद में हम हैमर से इस टाइप से हल्के हल्के से ठोक के जेबी को बाहर निकालेंगे सिलेंट ट्यूब से। ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना है, ग्लास है इसमें, टूट भी सकता है। हमारे ये जेबी बाहर आ गया है फॉल्टी वाला। इसके बाद में हम सिलेंट ट्यूब को ग्लास से हल्के से अच्छे से निकालेंगे ताकि जो हम सिलेंट ट्यूब लगाएंगे वो अच्छे से लग जाए। नेक्स्ट स्टेप में हम दोस्तों जो बस बार निकाली उसमें से सिलेंट ट्यूब जो हल्का सा चिपका हुआ है उसको गर्म करके थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, बस बार को अच्छे से साफ कर लेंगे इस टाइप से। हमारी बस बार साफ हो चुकी है। इसके बाद में हम जेबी को ऐसे लगा के चेक करेंगे, सेट करेंगे कि प्रॉपर बैठ रहा है ना बस बार में। इस टाइप से जेबी लगा के हम चेक करेंगे, हम बैठ गया जेबी अब हमारा। अभी हम जेबी में सिलेंट ट्यूब लगाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से सिलेंट ट्यूब लगाएंगे कॉर्नर साइड में। सिलेंट ट्यूब इसलिए लगाया जाता है कि जेबी की पकड़ के लिए, जैसे हमने जेबी को फिट कर दिया है मॉड्यूल पे। हमारी बस बार भी बाहर आ गई है, इस बस बार को ऐसे प्लस और माइनस पे से टेढ़ी कर देंगे। इसके बाद में बस बार को सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे चिपका देंगे और थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। लूज कनेक्शन होने पे वोल्टेज नहीं आता है। अब हमारी बस बार चिपक गई है अच्छे से। ये हमने वोल्टेज चेक करेंगे, अभी जीरो आ रहा था पहले, अभी देखिए 13.8 वोल्ट आ रहा है, हमारा जेबी ओके है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने देखा कि मॉड्यूल का जंक्शन बॉक्स कैसे चेंज किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।